एग्जाम्पल नंबर टू नोट करेंगे, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी। With AB parallel to DC, full stop. E and F are points on non-parallel sides. E and F are points on non-parallel sides. AD and BC respectively. AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. ब्रैकेट में लिखा है सी फिगर, मतलब फिगर इसमें दे रखी है, फुल स्टॉप। शो दैट एई अपॉन ईडी एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये चीज हमको प्रूव करनी है। फिगर देखिएगा क्या दे रखी है। ए बी सी डी ये एक ट्रेपेजियम दे रखा है और इसमें इन्होंने ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो बीच में एक लाइन दे रखी है ई एफ EF, ये जो EF है ये AB के पैरेलल दे रखा है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC और दे रखा है EF पैरेलल टू AB, ठीक है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रिस्पेक्टिवली, तो E और F यहाँ पर पॉइंट्स हो गए, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। मेरे को प्रूव करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में टू प्रूव ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो ये चीज प्रूव करनी है, ए ई अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो अब आप ये देखिएगा इसमें क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन करके हम जो भी नई साइड बनाते हैं ना उसको हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट बोल्ड लाइन ना बनाकर डॉटेड लाइन बनाते हैं। इस पॉइंट को जी बोल दीजिए, यहां लिखना कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, और इसमें मेंशन करिएगा कंस्ट्रक्शन में कि ज्वाइन AC, join AC such that it intersects EF at G। तो मेरे को A और C को join करना है कुछ इस तरह से कि वो EF को point G पर intersect करे, point G पर वो cut करे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये कहेंगे कि since ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, इट इम्प्लाइज दैट
ए बी डी सी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो मतलब ए बी ई एफ और डी सी तीनों के तीनों पैरेलल हैं आपस में, ठीक है ना। ए बी ई एफ के पैरेलल है और ए बी डी सी के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है। इसके बाद की कहानी देखिएगा, अब ये ए बी डी सी और ई एफ ये तीनों लाइन्स तो हो गई पैरेलल, तो अब हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए डी सी इन ट्राइंगल ए डी सी बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अब जब हम ट्राइंगल ए डी सी पर फोकस करते हैं, ए डी सी जब इसको देखते हैं, तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो लाइन है ना ई जी और ये जो लाइन है डी सी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये लाइन जब दोनों पैरेलल है तो ए ई अपॉन ई डी ए जी अपॉन जी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिंस ई डी, हाँ ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, क्योंकि ई जी जो है वो डी सी के पैरेलल है, समझ गए नहीं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में यही होता है कि जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर कोई एक लाइन ऐसे बनी हुई है कि वो तीसरी वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक साइड तो ये हो गई ए डी, एक साइड ये हो गई पूरी ए सी और एक साइड ये हो गई डी सी, तो तीन साइड्स बन गई ट्राइंगल की। अब उसके अंदर एक लाइन बनी हुई है ई जी, वो क्या है, वो एक लाइन के पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है, तो वो बाकी की दोनों साइड्स को ना सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब ए ई अपॉन ई डी विल बी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ई डी विल बी इक्वल टू, ये जो पैरेलल लाइन बनाई है ई जी जो डी सी के पैरेलल है, ये ए डी को कहाँ कट कर रही है, ई पर, और ए सी को कहाँ कट कर रही है, जी पर, तो ये जो रेशियो है ना ए ई अपॉन ई डी और ए जी अपॉन जी सी, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है, इसका प्रूफ भी आता है, वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, इस थ्योरम को ही प्रूव करना, कि ये थ्योरम प्रूव करके दिखाइए। तो सिंस ई जी इज पैरेलल टू डी सी, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी, ये हो गई इक्वेशन नंबर वन। फिर हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे सी बी ए, इन ट्राइंगल सी बी ए सिंस जी एफ इज पैरेलल टू ए बी, जी एफ इज पैरेलल टू ए बी, सो सी एफ अपॉन एफ बी, आप ये देखिए ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो रही है, तो कहाँ कहाँ कट कर रही है, एफ पॉइंट पर और जी पॉइंट पर, तो सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी जी अपॉन जी ए, सी एफ अपॉन एफ बी, सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी जी अपॉन जी ए, सी जी अपॉन जी ए। रीजन में यहां पर भी लिख लेना भाई, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को ही शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई बीपीटी ये मेंशन कर दिया यहाँ पर, अब क्या होगा कि अब क्या करिए, अब आप कहें कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो एफ बी नीचे है ये ऊपर आकर एफ बी हो जाएगा और ये सी एफ नीचे आ जाएगा, डायरेक्टली मत लिखना, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। हम क्या करेंगे ना, हम ये देखेंगे कि जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली साइड पहले लिखते हैं, सी एफ अपॉन एफ बी लिखा जा सकता है जो तुम कह रहे हो भी, पर एक ही पैटर्न लेकर चलो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो सी एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू सी जी अपॉन जी ए, तो इसको पलट कर लिख दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें ए जी अपॉन जी सी मिल रहा है, तो जब इसको पलट दूंगा मैं तो ये जी ए ऊपर आ जाएगा, जी ए ऊपर, जी ए का मतलब ए जी ही तो है, और ये सी जी नीचे आ जाएगा, सी जी का मतलब जी सी ही तो है, इसको पलट कर लिख दो। ये जो एफ बी है इसको पलट कर लिख दो बी एफ, और ये जो सी एफ है इसको पलट कर लिख दो एफ सी। भाई कोई भी साइड है उसको ए बी लिखा या बी ए लिखा, बात तो एक ही है,
ठीक है, तो एफ बी को पलट कर बी एफ लिख दिया, सी एफ को पलट कर एफ जी लिख दिया, ऐसे ईद को भी पलट दो, ए जी अपॉन जी सी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू। अब इससे हुआ क्या कि जो हमारी इक्वेशन नंबर वन है उसका राइट हैंड साइड देखिए, उसका राइट हैंड साइड भी ए जी अपॉन जी सी है, इक्वेशन टू का भी राइट हैंड साइड ए जी अपॉन जी सी है। ठीक है, तो आप इक्वेशन वन और टू दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा ए ई अपॉन ई डी बी एफ अपॉन एफ सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा, तो लिखेंगे कंपेयरिंग। हाँ जीए को एजी से बना भाई, जी ए है, जी ए को लिखकर ए जी लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी ए क्या है, जी से लेकर ए तक की लेंथ, इसको पलट कर ए जी लिख दोगे तब भी तो वही लेंथ रहेगी। ठीक है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे ना इधर ए जी और इधर जी सी मिल रहा था, इसलिए पलट कर लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू। कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो दोनों ही ए जी अपॉन जी सी के इक्वल है, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है जी, ये प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था। एग्जाम्पल नंबर टू के बाद में एग्जाम्पल नंबर थ्री देखिए, इन द गिवन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव दैट, फुल स्टॉप, प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। अब देखिएगा फिगर क्या दे रखी है एग्जाम्पल नंबर थ्री में, पी क्यू आर, पी क्यू आर और ये एक साइड दे रखी है एस टी, एंगल पी एस टी, ये वाला एंगल, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये दे रखा है। मेरे को क्या प्रूव करना है कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, पूरा बड़ा ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल आइसोसेलस ट्राइंगल कब बनता है, जब उसकी कोई दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं या कोई दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तब भी वो आइसोसेलस ट्राइंगल कहलाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, आइसोसेलस ट्राइंगल में कोई दो एंगल इक्वल होते हैं, तब वो आइसोसेलस कहलाता है। ऐसा ही कुछ इसमें प्रूव कर देते हैं तो काम हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हमको इन्होंने ये दे रखा है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। अब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एस टी, ये जो साइड है एस टी, ये क्यू आर के पैरेलल नहीं दे रखी है, लेकिन अगर एस टी क्यू आर के पैरेलल होती तो मैं पाइथागोर वो सॉरी ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाकर मैं ये कह सकता था कि पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर के इक्वल हो जाएगा। यही तो कहता मैं भाई, अगर ये एस टी क्यू आर के पैरेलल हो जाती तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है कि पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर के इक्वल होगा। भाई वो दे ही रखा है, वो दे ही रखा है कि पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर के इक्वल है,
तो यहां लिखिएगा गिवन, तो आप यहां लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस बार मेरे को पैरेलल नहीं दे रखी है साइड्स, इस बार मेरे को रेशियो ही इक्वल दे रखा है। जब रेशियो ही इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब उसका उल्टा भी ट्रू होगा, मतलब एस टी क्यू आर के पैरेलल रहा होगा, तभी तो ये रेशियो इक्वल होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल में हम ये कहेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर उल्टा दे रखा हो कि कोई भी ट्राइंगल है उसमें एक साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल ही रहा होगा। इसको कहते हैं कन्वर्स। ठीक है, तो अगर आगे बाद वाली चीज पहले ही दे रखी है तो हम ये कहेंगे पहले वाली चीज तो ट्रू रही ही होगी, तो उसको कन्वर्स बोलते हैं। जब पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर के इक्वल है, इसका मतलब एस टी अपॉन क्यू आर उसके पैरेलल रहा ही होगा, इसको कहेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स उल्टा। तो यहां बोलेंगे भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब जब एस टी क्यू आर के पैरेलल हो गया फिर क्या करेंगे, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब आप ये कहिए कि एंगल पी एस टी, सो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, रीजन बता दो जरा। अभी अभी जो ये प्रूव कर रहे हैं ना एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, इसकी हेल्प से कर रहा हूं मैं कि एंगल पी एस टी और ये एंगल पी क्यू आर ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इस वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल साइड के ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पर ये एंगल, पैरेलल साइड के ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पर ये एंगल, तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, रीजन में लिखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर, ठीक है, और अगला लिखेंगे एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। यहां लिखिएगा गिवन, इसे बोल दो इक्वेशन वन, इसे बोल दो इक्वेशन टू। क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एंगल पी एस टी एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल है बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है ये दे रखा है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। तो जो बड़ा ट्राइंगल है पी क्यू आर का उसके दोनों के बेस एंगल्स इक्वल हो गए, तो हो गया आइसोसेलस ट्राइंगल। बस ये तो करना था। आप कहेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर के, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू सिंस बेस एंगल्स ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टू एंगल्स, मतलब दो एंगल इक्वल हो गए बस, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर इक्वल टू ईच अदर, सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ये भी प्रूव हो गया। ठीक है ना, ये प्रूव करना था आपको। हाँ, वन प्लस कर दो, बिल्कुल बिल्कुल उससे भी हो जाएगा।
एक्सरसाइज 6.2 देखिएगा, 6.2 में इसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारे के सारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही होंगे। इसका मैं क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, दूसरा करा रहा हूँ, पहला आप करना। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट, 6.1 छोटी सी एक्सरसाइज है कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, फिर इन द ब्लैंक तीन साइड्स होती हैं, है ना, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, ऑप्टियस ट्रायंगल क्या होता है, वो है, दो क्वेश्चन है उसमें। अच्छा अच्छा है ना, वो आसान सी है। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट ये है, हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो मेरे को क्या करना है, ए डी निकालना है, ये जो ए डी है ये निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सो बाई ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है, बाई बी पी टी, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, टी एच ए एल ई थेल्स थ्योरम ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि क्योंकि ये डी ई जो है ये बी सी के पैरेलल है, तो ए डी अपॉन डी बी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये हो गया। अब देखिए ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी तो मुझे पता नहीं है कितना है, और डी बी कितना है, 7.2, और ए ई कितना है, 1.8, और ई सी कितना है, 5.4। तो इधर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, इधर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 18 3 54, ठीक है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 AD इज इक्वल टू, इधर 1 है, 7.2 × 1 7.2, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4, तो ED इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास ED जो बचा अननोन, इसकी वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू में आपको बताना है EF इज पैरेलल टू QR। क्वेश्चन नंबर टू में जो है ना, क्वेश्चन नंबर टू के तीन पार्ट्स दे रखे हैं, और तीनों ही पार्ट्स में मैं एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी के दो आप समझ जाएंगे, ट्रू और फॉल्स वाला है वो। क्वेश्चन नंबर टू में दे रखा है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपको कोई ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, और वो बोल रहे हैं ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर। तो पी क्यू पर एक पॉइंट है ई, और पी आर पर एक पॉइंट है एफ, ठीक है।
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो आपको ये बताना है, कुछ केसेस दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये जो ई एफ है ये क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो तीन केसेस दे रखे हैं, तो मैं एक केस करा दूंगा, बाकी के दोनों आप कर लेना, मतलब तीन पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, बाकी के दो आप देखिएगा। जैसे सेकंड पार्ट करा रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट में दे रखा है पीई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तीनों ही पार्ट्स के लिए फिगर सेम रहेगी। पीई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यूई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पीएफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आरएफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एंड आर एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो अब आप ये देखिएगा कि मेरे को पीई अपॉन क्यू ई निकालना है, पीई अपॉन क्यू ई, तो पीई कितना दे रखा है 4 और क्यू ई कितना दे रखा है 4.5, ठीक है, पॉइंट गया ऊपर 0 आ गया, तो ये कितना हो गया 5 8 40, 5 9 45, तो 8/9 आ गया। फिर निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे, पी एफ की लेंथ कितनी दे रखी है 8 और आर एफ बोलो या एफ आर बोलो एक ही बात है, इसकी लेंथ दे रखी है 9, ये भी 8/9 है, पी ई अपॉन क्यू ई और पी एफ अपॉन एफ आर ये भी 8/9 है। तो हम ये कहेंगे सिंस पी ई अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों ही इक्वल है ना, दोनों 8/9 है दोनों का रेशो, तो दोनों इक्वल दे रखे हैं। सो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो हमें तीन केसेस दे रखे हैं, केस फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो हर केस में हमें ये बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो मैंने एक केस करा दिया, बाकी के दोनों आप कर लेना, रेशो कैलकुलेट करके ही आपको देखना है बस, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं, एक मिनट वेट करिए। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें भाई क्लियर है, ठीक ठीक है। चेहरा की करना अक्षय बस,
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा। हाँ, जिसमें आपको वैल्यूज दे रखी हैं उसमें आप लगाकर बताएंगे। एक्चुअली लगाएंगे तभी जब पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि आपको बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, तो वो तभी तो बताएंगे जब हमको साइड्स पता होंगी। तो साइड्स दे रखी हैं, ठीक है, तो साइड्स का रेशियो निकाला, वो इक्वल आ गया, तो हमने कहा कि हाँ पैरेलल है। नहीं तो फिर क्वेश्चन में कुछ तो पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ तो पूछी जाएगी, कुछ दे रखा होता है, कुछ पूछा जाता है। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री में दे रखा है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी, इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी कॉमा प्रूव दैट prove that AM upon AB AM upon AB is equal to AN upon AD is equal to AN upon AD। अब फिगर दे रखी है इसमें, ए बी सी, ए बी सी और ए डी सी, ऐसे दो ट्राइंगल दे रखे हैं। एम एल और एन एल ये हो गया। अब देखिएगा हमें ये प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी ये पूरी बड़ी साइड इज इक्वल टू ए एन अपॉन ये पूरी बड़ी साइड ए डी, ठीक है, और ये दे रखा है इन्होंने कि एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है और एल एन जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ये देखिए कि एल एम सी बी के पैरेलल दे रखा है, तो एल एम सी बी के पैरेलल दे रखा है, तो एल एम और सी बी कौन से ट्राइंगल में लाई कर रही है दोनों साइड, ए बी सी या ए सी बी में, ठीक है। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी इन ट्राइंगल ए सी बी सिंस एल एम इज पैरेलल टू सी बी, सिंस एल एम is parallel to CB, so by BPT, basic proportionality theorem, AM upon MB, AM upon MB is equal to AL upon LC। ये सभी को clear है, क्योंकि ये वाली side इस वाली side के parallel है, तो ये side इस साइड को और इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, AL upon LC is equal to AM upon MB, ये हो गया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। फिर कहेंगे अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं,
दूसरा क्या दे रखा है, एल एन और सी डी पैरेलल दे रखा है, तो एल एन और सी डी ये कौन से ट्राइंगल में होगा, ए सी डी में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी सिंस एल एन इज पैरेलल टू सी डी सो बाई बी पी टी, सो बाई बी पी टी AL अपॉन LC इज इक्वल टू AN अपॉन ND, ये हो गई इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, इक्वेशन नंबर वन भी AL अपॉन LC के इक्वल, इक्वेशन नंबर टू भी AL अपॉन LC के इक्वल, तो AM अपॉन MB AN अपॉन ND के इक्वल हो गया। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एम अपॉन एम बी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ी करना है प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए बी क्या है पूरी बड़ी वाली साइड, ठीक है। और क्या करना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ए एन अपॉन ये भी ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है और ये भी, तो ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी, तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन पूरी बड़ी साइड ए डी, ठीक, ये करना है। अच्छा तो कैसे प्रूव करेंगे, जब हमको ना पूरी बड़ी साइड बराबर लेकर आनी होती है प्रूफ में, हमें ये दिखाना होता है कि पूरी बड़ी साइड, तो बड़ी वाली साइड के अलावा तो जो दो छोटे टुकड़े हैं वो क्या है, ए एम और एम बी है, तो मुझे बड़ी वाली साइड ए बी के अलावा क्या चाहिए, ए एम चाहिए, तो उस ए एम को मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखें ए एन और एन डी, तो आप ये देखिए ए एन है और एन डी है, लेकिन बड़ी साइड तो ए डी है, ए डी के अलावा जो छोटा टुकड़ा है वो क्या है, ए एन, तो जो छोटा वाला साइड है बड़ी साइड के अलावा जो छोटा वाला टुकड़ा है वो मुझे डिनोमिनेटर में लेकर आना पड़ेगा, तो इधर भी ए एम डिनोमिनेटर में चाहिए, इधर ए एन डिनोमिनेटर में चाहिए, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये तरीका है, बस याद रखिएगा कि जब भी कभी छोटी साइड अपॉन पूरी बड़ी साइड दे रखा हो, हमको प्रूव करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली साइड है उसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे, ठीक है, ये करना है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में ये वाली साइड आ जाएगी जो मेरे को प्रूव करना है, जो मतलब मेरे को पूरी बड़ी वाली साइड के अलावा जो छोटा टुकड़ा प्रूव में लेकर आना है वो मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा। तो इसको क्या करेंगे, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन, एन डी अपॉन ए एन। अब क्या करिए, एड वन ऑन बोथ साइड्स, एड वन ऑन बोथ साइड्स, तो एम बी अपॉन ए एम प्लस वन इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस वन, दोनों तरफ वन ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एम बी ए एम इंटू वन, एल सी एम लेंगे ना, तो एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, तो एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए एम,
और एन डी प्लस ए एन, तो एन डी प्लस ए एन ये पूरा ए डी के बराबर हो जाएगा, तो ए डी अपॉन ए एन, ठीक है। अब फिर से रेसिप्रोकल ले लो, क्योंकि प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूव करना है। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक, यही प्रूव करना था। हो गया प्रूव, इसके बाद आगे चलते हैं जी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर। फोर में फिगर देखकर थोड़ी सी, फिगर थोड़ी सी अलग सी लगती है, लेकिन समझाता हूँ, आ जाएगी समझ में। क्वेश्चन नंबर फोर में लिखिएगा, इन द गिवन फिगर In the given figure, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. Full stop. Prove that. Prove that BF upon FE BF upon FE is equal to BE upon EC. Is equal to BE upon EC. ये हो गया। और फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है इसमें, ए बी सी एक तो यहां पर साइड बनाएंगे ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, एक तो ये दे रखा है, दूसरा ये जो DE है ये DE AC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये दे रखी है हमको। तो सबसे पहले ये देखिए क्या दे रखा है, DE इज पैरेलल टू AC, तो ये कौन से ट्रायंगल में लाई करेगा, देखिए जरा, DE और AC ये कौन से ट्रायंगल में लाई करेगा, पूरे बड़े ट्रायंगल BAC में। दोबारा देखिएगा, DE साइड जो है और AC साइड, AC साइड कौन से ट्रायंगल में लाई कर रही है, इस बड़े ट्रायंगल पे BAC में, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी डी अपॉन डी ए, भाई डी ई जो है वो ए सी के पैरेलल है, तो बी से डी तक वाली लेंथ और डी से ए तक, तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा देखो, ट्राइंगल बी ए सी में तो मेरे को दे रखा था ना डी ई इज पैरेलल टू, यहां पर लिख भी रहा हूं, सिंस डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ऐसे अगला देखिए, अगला दे रखा है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो डी एफ और ए ई ये कौन से ट्राइंगल में लाई करेगा, ए बी ई में, इतने छोटे ट्राइंगल में,
ठीक है, तो इन ट्राइंगल ये वाला बोल दीजिए बी ए ई, बाई बी पी टी, यहां पर क्या दे रखा है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, सिंस डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, इक्वेशन नंबर टू। तो बी डी अपॉन डी ए बी ई अपॉन ई सी के भी इक्वल है, और बी डी अपॉन डी ए बी एफ अपॉन एफ ई के भी इक्वल है, कंपेयरिंग वन एंड टू हो गया प्रूफ। देखें कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, यही चीज प्रूव करनी थी। ठीक है जी, लिखिएगा, सही है जी, क्लियर है सभी को, बस इतना करिए, बाकी इसके आगे के क्वेश्चंस सिमिलर हैं, आसान है, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं हो तो मेरे से पूछना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टोटल 10 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में बस।